मेला में है और हमारे साथ है हरजिंदर भाई भी। और ये पूरे जो तीन पार्टी है कई सालों से आती हैं और कई तरह की पार्टियां आती हैं, इस बार ये जो पार्टी आई है इससे भी जानते हैं ये किस तरह का म्यूजिक यहाँ पर लेकर आए हैं और इस बार किस तरह से लोगों का एंटरटेन करेंगे। और आप सभी को कहना चाहेंगे कि सूरजकुंड मेले की यानी कि 36वें सूरजकुंड मेले की आपको जानकारी चाहिए तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और हमें आगे बढ़ाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है आई हुई भीम पार्टी किस तरह से आपका एंटरटेन कर रही है, देखिए। मांगेराम जी कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से आए हैं जी। हमारा गांव कुड़ल है हरियाणा में। हमें आज अब की बार दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं जी। अच्छा, मेले का आगाज ही है अभी और बड़ा धूम मचाते दिखाई दे रही है भीम पार्टी। देखो हमारे पेट के लिए कर रहे हैं सब, बहुत बढ़िया काम करते हैं, सरकार भी बुला रही है, आप जैसे है प्रचार कर रहे हैं देख रहे हैं, वो हमारा भी थोड़ा बहुत ऐड हो रही है इस चीज में। तो पहले दो बार आ चुके हैं जैसा कहा कि पहले आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा था जी, अभी अच्छा रहेगा। मेरा कला को जब कदर मिलती है, कदरदान मिलते हैं, कैसा लगता है? बस देखो पेड़ा ही क्या है जी, वो तो बहुत अच्छा लगता है। तो कितने लोग हैं आपकी पार्टी में? मेरी बीन पार्टी में जी 8 बंदे हैं और ज़्यादा के करते हैं, ज़्यादा भी करते हैं, जैसे 10 आदमी है, 15 आदमी, 21 आदमी तक भी करते हैं, जैसे इसमें 8 आदमी की मान लें सर जी। बात करें ये कला कितनी पुरानी कला है? ये हमारी जी कम से कम वर्षों से बुजुर्गों से ही है जी, बहुत पुरानी कला है लेकिन लगे रहते हैं जी कला के पीछे। आज भी इस तरह के जो मेले हैं इस कला को जीवंत रखे हुए, क्या कहना चाहेंगे? हम जी ये सोच रहे हैं जी कुछ हमारा भी काम चलता है और कला भी बनी रहती है, हमारी कला भी जिंदा रहती है और इससे अलग अगर इससे हटके और भी हमारे कलाकारों को कोई जैसे लोक संपर्क विभाग में एडजस्ट हो जाते हैं तो और भी बहुत अच्छा होता है जी। अच्छा, तो आपकी मांग है कि लोक संपर्क विभाग में भी आपको जो है ज्वाइंट किया जाए तो बहुत अच्छे हैं जी। अच्छा, तो बात करें जिस तरह से आप मेले में इस बार आए हैं 19 तारीख तक बने रहेंगे तो किस तरह से जो है पब्लिक का एंटरटेन करेंगे? देखो जी हम तो पब्लिक को खुश करते हैं, पब्लिक हमें खुश करती है, हमें देखते हैं, हम ये सोचते हैं हमारा हरियाणा में बहुत अच्छा काम चल रहा है, हमें भी बुला रहे हैं, हमारे बड़े बड़े लोग आते हैं देखते हैं, बहुत अच्छा काम। विरासत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आपकी आगे की जनरेशन के बारे में जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? हमारी आगे के जर्नलिस्ट ऐसा है जी, वो कई कई बच्चे पढ़ते लिखते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, फिर वो पढ़ाई से भी चले जाते हैं, नौकरी भी नहीं मिलती उनको और फिर हम पढ़ाने के चक्कर में पढ़ते तो बीन बाजा भी नहीं सीखते हैं जी। वो अगर इसमें कोई ऐसी बात हो जाए, सरकार इससे हमारा एक्स्ट्रा कोई सिस्टम बना दे तो हमारे बच्चे लिखे पढ़े नौकरी भी करते रहे, कोई बीन भी बजाते रहे, ढोल भी, कला हमारी जिंदी रह जाएगी। मेले में आने वाले दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे?
हाँ मेले को आने वाले को सभी ये कह रहे हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद है, सब आओ जाओ देखो बहुत बढ़िया काम चलता है जी, बजाते गाते रहते हैं देखने के लिए, वो भी देखो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दर्शकों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।